नमस्कार, वंदे मातरम। एसएस जैन सुबोध गर्ल्स पीजी कॉलेज सांगानेर, कला उत्सव 2021 सेकेंड वीक एक्टिविटी सिंगिंग कंपटीशन, जिसका थीम था पैट्रियोटिक। मैं डॉक्टर सीमा दफ्तरी बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगी रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए मिस सारिका गौर मैम, सुबोध पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, कि वो आए और रिजल्ट अनाउंस करें। मिस सारिका गौर मैम। कला उत्सव 2021 एंड इंटर कॉलेज कल्चरल एक्टिविटी विच वॉज ऑर्गेनाइज बाई एसएस जैन सुबोध गर्ल्स पीजी कॉलेज सांगानेर वॉज अ ग्रैंड इवेंट। इट वॉज एट द इंट्रा कॉलेज लेवल एंड देर वर 15 पार्टिसिपेंट्स हु परफॉर्म्ड। द होल इवेंट वॉज वेरी वेरी एनकरेजिंग, वेरी नाइसली कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स। I congratulate Mrs. Rita Jain for having conducted such a wonderful event for the girls. I am here to announce the results of this competition. At number one position, Jahanvi Sharma, BSc final year. At the second position, Mehronisa, BA second year. At the third position, we had Himakshi Savlani, BCom final year. At the fourth position, Shruti Bharti, BBA final year. And at the fifth position, it was Ishita Rajavat, BSc final year. So all my congratulations and best wishes to all the participants, and especially to the winners who put in their best efforts. And once again, I congratulate all the winners and participants for having put all their best efforts in the competition. I hope the college will continue with such events which encourage and bring out the potential of the talents. थैंक यू सो मच। नमस्ते। कंग्रेचुलेशन जानवी, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। फर्स्ट पोजीशन सिंगिंग कंपटीशन में प्राप्त की है जानवी शर्मा, बीएससी पार्ट टू। आप बच्चे कुछ भी कहना चाहें इस कंपटीशन के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो मैं बुलाना चाहूँगी जानवी को कि बेटा आओ और अपने उद्गार यहाँ पर व्यक्त कीजिए। जानवी शर्मा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक respected principal ma'am, respected all the teachers and all the judges to giving this great opportunity to won the first prize in the singing competition. यह कि मैंने इसीलिए चुना क्योंकि इसे सुनने के बाद हमारे मन में हमारे वीर सेनानियों के लिए और देश के लिए एक श्रद्धा का भाव प्रकट होता है।